गुरुदेव एक एपिसोड में देवी रेणुका के लिए चांदी की नाव रखने के बारे में बताया है। गुरुजी, देवी रेणुका के बारे में हमें थोड़ी जानकारी देकर कृतार्थ करें, क्या हम भी चांदी की नाव रख सकते हैं? अब देखिए, वो किसी अंक में निकल गया मुँह से तो वो चांदी की नाव उल्टी पुल्टी बनानी शुरू कर दी लोगों ने, पता नहीं क्या क्या कर दिया शुरू। वो तो मैंने एक चीज़ बताई थी, तो रेणुका जी परशुराम जी की माता जी थी, ऋषि जमदग्नि की पत्नी और भगवान परशुराम की माता जी, और रेणुका जी के नाम से एक तीर्थ है हिमाचल में, ये पांवटा साहिब से आगे जा करके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैंने उसे विजिट किया था 30-40 साल पहले, और बहुत बड़े बड़े कछुए वहाँ टोकरे के साइज, मतलब कछुए पर बैठ करके आप झील में घूम लीजिए, और झील पूरी आच्छादित होती है कमल के पुष्पों से, और झील के उस किनारे पर बहुत सुंदर एक अभयारण्य है जहाँ शेर देख सकते हैं आप, 50 की संख्या में बब्बर शेर वहाँ पिंजरा लगा होता है, मतलब बीच में उन्होंने बैरिकेडिंग की हुई है, जाल लगा हुआ है, पिंजरा तो नहीं कहूँगा उसे, और पीछे वो वन्य क्षेत्र है और इधर वो झील है, और इस तरह से करके वहाँ एक सुंदर मंदिर है, और झील को जब ऊपर से अगर आप उसकी फोटो लेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई स्त्री लेटी हुई है, उसका आकृति कुछ इस तरह से है। तो वो चूंकि उसी में समा गई थी, रेणुका जी ने जल समाधि ली थी, तो वो कहते हैं कि वो उन्हीं के शेप में इसलिए है झील, ये भी यही हिमाचल में है, हमारे यहाँ भारत में ही, तो उसका इस तरह का एक रोल रहा है। और रेणुका जी बहुत सारे सौभाग्य को और बहुत सारे पराक्रम की प्रदाता हैं, क्योंकि जैसा कि परशुराम को ही जन्म दिया उन्होंने, उसी समय पता चलता है, तो वो उस तरह का है। और वो कई सारे ऐसे संकट जो हमारे ऐसे बोध और ऐसे पाप जो अनजाने में हो गए उनसे मुक्ति दिलाती हैं रेणुका जी तीर्थ की यात्राएं और रेणुका जी का स्मरण, और वो जो नाव वाला एक वो है, लेकिन उस पर मैं ज़्यादा जिक्र इसलिए नहीं करूँगा कि फिर वो नाव पाव बनानी शुरू कर देते हैं लोग, वो ठीक से बन नहीं पाता और कुछ फिर वो कहते हैं जी हमें ये हो गया और वो हो गया, तो लेकिन इतना आप समझें। और रेणुका जी के बारे में मैं समझता हूँ कि ये जो जानकारी है थोड़ा आपको इससे थोड़ा वर्धन हुआ होगा। Yeah.